अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवा इकाई के नेतृत्व में आज गांधी फार्मेसी कॉलेज करनाल के सैकड़ों छात्र करनाल लघु सचिवालय जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी युवा परिषद के नेता रवि शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि गांधी फार्मेसी की मैनेजमेंट विद्यार्थियों को तंग कर रही है और ऑफलाइन पेपर देने की बात कह रही है। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ 15 दिन ही गांधी फार्मेसी को खुले हुए हैं और पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी गांधी फार्मेसी विद्यार्थियों को ऑफलाइन पेपर देने की जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि करनाल के 14 कॉलेजों में फाइनल एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, परंतु गांधी फार्मेसी मैनेजमेंट ऑफलाइन पेपर लेने पर अड़ी हुई है, जिसके विरोध स्वरूप आज बड़ी संख्या में गांधी फार्मेसी के विद्यार्थी यहाँ लघु सचिवालय जिला उपायुक्त को मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान जिला उपायुक्त से मांग की गई कि उनकी परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाए। वहीं दूसरे विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना के भय के कारण वह परीक्षा को ऑनलाइन करवाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले तो फार्मेसी खुली है, परंतु इतने दिन में वह तैयारी भी नहीं कर पाए कि वह ऑफलाइन परीक्षा दे सके। सर, एज ए कोविड कंसर्न सर, लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी आर टेकन एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, बट सर हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है सर, हमारा कॉलेज प्रशासन सर इसमें अड़ा हुआ है कि हम सर ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही लेंगे। सर कॉलेज खुलेगा सिर्फ 15 दिन हुए हैं और सर हमको नोटिस लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम है। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पिछले 4 महीने से सर हमको ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। यस सर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है और सर उसको ये रिवाइज रिवीजन का भी टाइम नहीं मिल रहा है। सर हम चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम भी सर ऑनलाइन मोड ही हो, क्योंकि सर अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम दोबारा सर उसको रिवाइज भी कर लें, तो इसलिए सर हमारी ये मांग है कि सर हमारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड से ही हो। हमें डीसी सेट से मिलना है और हम चाहते हैं हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन, क्योंकि पूरा साल हमारे क्लासेस ऑनलाइन लगी है तो हम ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। हमारे अभी 5 दिन के अंदर सेशनल्स हैं और जो कि वो ऑफलाइन लेने की बात कर रहे हैं। अभी हमारी क्लासेस लगते हुए 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में तो पूरा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है। जैसे और भी कॉलेजेस है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए उनके एग्जाम्स ऑनलाइन किए हैं ताकि कोई बच्चा कोरोना के टच में ना आए, कोई बीमार ना हो कुछ भी। तो हमारे कॉलेज वाले हमारे क्यों नहीं देख रहे कि बच्चों को कोरोना ना हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो, सेशनल भी और जो हमारे फाइनल एग्जाम है वो भी ऑनलाइन ही हो। कौन से कॉलेज से आप? गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्या नाम आपका? प्रगति। हाँ जी, कहाँ से आए हैं और क्या मांग करते हैं आप? मेरा नाम रवि शर्मा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सोलह करनाल। हमारे पास डी फार्मेसी के बच्चों की कुछ समस्या आई थी जो गांधी कॉलेज करनाल के हैं, कि उनकी जो सेशनल है वो ऑफलाइन हो जा रहे हैं, जबकि करनाल के 14 कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स ऑनलाइन हो जा रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ ऐसा दोहरा व्यक्तित्व क्या क्यों निभाया जा रहा है? ऊपर से कोविड के जो केस है आपको पता, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल जो है अपने यहाँ पर 54 केसेज सैनिक स्कूल में आए, 364 केस महाराष्ट्र के अंदर भी आए, विद्यार्थी बच्चों के आए जो 108 केस कांगड़ा के अंदर आए। यानी कितना, ये तो छोटा सा डाटा है हमारे पास, अगर हम बढ़ा जाएँ तो बहुत ज़्यादा केसेज जो है दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि दूसरे चरण की जो वैक्सीन अभी लगनी शुरू हुई है और तीसरे चरण में कम से कम विद्यार्थी आएंगे, स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, उनमें से कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? बच्चे अपनी जान के डर से वो कह रहे हैं कि हमें ये सेशन ऑनलाइन देने दो। प्रशासन को क्या दिक्कत है? कॉलेज प्रशासन आके बैठा है और ऊपर से धमकी देता है कि हम आपको फेल कर दे तो आप हमारा क्या कर लेंगे। इस तरह की कहीं जो धमकियाँ हैं, बच्चे भयभीत हैं, किस प्रकार हमारा फ्यूचर है जो बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है, हम इसके लिए डी साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं उनको कि इन विद्यार्थियों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द अभी सॉल्व की जाए, ताकि प्रशासन को आदेश दिया जाए कि जब और जगह हो रहे हैं, ये तो सोचे सेशनल है, फाइनल एग्जाम नहीं है अभी, बट सेशनल का पूरा पूरा जो इम्पैक्ट है वो फाइनल एग्जाम्स के ऊपर पड़ता है। बच्चे विद्यार्थी तैयारी करके बैठे हैं पर वो चाहते हैं कि हम कॉलेज में, आप देखो फार्मेसी के इतने बच्चों की होगी, कुछ माँ बाप ने डर के भेजा नहीं है, ये थोड़े हैं, बस यहाँ पे मात्र सिर्फ 150 बच्चे हैं, उससे ऊपर विद्यार्थी नहीं है। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयभीत है, कितनी दयनीय स्थिति है, तो आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।